हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आ चुके हैं पाटम हॉल्ट पे। आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, पोल्स वगैरह सारे लग चुके हैं, ट्रैक्स वगैरह को बिछा के स्लीपर्स वगैरह को लगा दिया गया, स्टोन्स वगैरह को लगा दिए गए हैं। बस ये एक महीने में चालू होने वाला है ट्रैक। अभी इधर गुड्स ट्रेन का ट्रायल भी लिया गया था और हम यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं पाटम हॉल्ट से लेके, और सुरंग होते हुए आपको नया सुरंग आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और इस वीडियो में हमारे साथ रहने वाले इरशाद जी जो कंटिन्यूसली हमारा सपोर्ट देने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी यहाँ से जर्नी। और ये लगभग 2 किलोमीटर का है यात्रा, पर आपको जो जो मेन पेन पॉइंट्स हैं, मेन मेन जगह पे जहाँ पे वर्क चल रहा है, वो आपको सभी दिखाएंगे। दोस्तों, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं पाटम हॉल्ट के, और आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक लेवलिंग का काम चलता हुआ, लगातार लोग लगे हुए हैं। दोनों ट्रैक्स को जो बिछा दिया गया है, इसके बाद दोनों की दूरी बराबर रहे यहाँ से लेके वहाँ पूरा टनल तक, इसके लिए लगातार ट्रैक लेवलिंग का काम किया जा रहा है। और बिल्कुल हम अब मुश्किल से 700 या 800 मीटर दूर हैं टनल के, और आप देख सकते हो कि लगभग हर तरीके से काम को पूर्ण कर लिया गया है। यहाँ पर ट्रैक्स बिछा के, सारे स्लीपर्स लगा के, सारे स्टोन्स यहाँ भी भर दिए गए। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का आप देखो तो यहाँ पे अभी हुक्स वगैरह लगे हुए हैं, और यह साइड में भी इधर चलने के लायक थोड़ा सा जगह मेंटेनेंस के लिए बन सके, इसके लिए भी पाथवे बनाया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और जैसा जैसा अपडेट होता है आपको बताते रहते हैं। दोस्तों, अब बस टनल यहाँ से 300 मीटर और रह गया है, और आप देख सकते हो कि नॉर्मल जो ज़मीन है यहाँ पे सरफेस से कितना ऊंचा ट्रैक को उठाया गया है, और साथ में यहाँ पे नाला का निर्माण किया गया है ताकि कभी ट्रैक को किसी भी तरह का पानी, बारिश ज़्यादा हो जाए फिर भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून का सीज़न होता है उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इस साल भी ट्रेनों को कम से कम 20 दिन के आसपास डाइवर्ट करके चलाया गया था, और अब तो सारा सिचुएशन नॉर्मल हो चुका है। पर बरियारपुर के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो आप सोच सकते हो कि इस एरिया में इस तरह की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर किसी भी सिचुएशन में ट्रैक्स का बचाव हो सके। तो चलिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो अगर काम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह का काम पहले नहीं हुआ था, पर जो मालगाड़ी चलाई गई उससे पूरे स्टोन्स चारों तरफ फैला दिए गए हैं, तो अभी एम्पल मात्रा में यहाँ पर सारा स्टोन्स का काम हो गया है। फिर से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बस यहाँ पे पेंडिंग है। यहाँ पे भी आप हुक्स देख रहे हो पास में, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो पहाड़ भी दिखने लग गया है, बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो अब नज़दीक में जाके अब टनल के अंदर से आपको दिखाते हैं कि क्या कितना काम हुआ है और कितना पेंडिंग है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने की मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, हम बिल्कुल सुरंग के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे बगल में मालगाड़ी पास हो रही है, और ये पुराने सुरंग की ओर जा रही है, और बगल में नया सुरंग है आप देख सकते हो। और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे लोगों से, और हमें अभी जानकारी यहाँ पे मिली है कि टनल का जो सीआरएस इंस्पेक्शन है छठ पूजा के जस्ट बाद होने वाला है, तो अभी ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। ऑलमोस्ट कार्य पूरा कर लिया गया है, और जब इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है तो 2 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, पर फिलहाल जो इसका सीआरएस इंस्पेक्शन होना है वो डीजल लोको से ही इसका किया जाएगा। और 120 लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से इसका सीआरएस इंस्पेक्शन किया जाएगा, और डीजल इंजन से ही किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो आपने सुना है न्यूज़ कि मालगाड़ी जो यहाँ पे चली है इस रूट पे, तो मालगाड़ी को बैक करके लाया गया था, क्योंकि रतनपुर में इसको पटरी को कनेक्ट किया गया है, तो रतनपुर से बैक करके मालगाड़ी को टनल के अंदर से ले जाया गया था, और पूरे तरीके से स्टोन्स वगैरह जितना आप देख रहे हो ये सारे स्टोन्स वगैरह इसमें डाले गए थे। यहाँ पे दोनों ट्रैक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, यहाँ पे काफ़ी चौड़ा गैप हो गया है, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन से टनल की ओर इंटर कर रही है, और दोनों टनल के बीच में थोड़ा सा ही गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है। तो चलिए हम टनल के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारी व्यू वहाँ से कैसा दिख रहा है। और बगल में आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक पैकिंग का काम चलता हुआ, लगातार काफ़ी रफ्तार से काम चल रहा है ताकि सीआरएस इंस्पेक्शन हो सके यहाँ पे समय पे। और जो टारगेट है इनका कि छठ पूजा के जस्ट बाद करना है, क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही है, छठ भी आ रही है, जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, इसी कारण से उस समय तो सीआरएस इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसके जस्ट बाद किया जाएगा 2-3 दिन के अंदर। और ये बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से आ रहा है, आप लोग भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर व्यू है, पूरा पहाड़ दूर दूर तक है दोनों साइड, लंबा दूर तक, और टनल यहाँ पे एकदम बिल्कुल दोनों पास पास में, तो काफ़ी औसम सा यहाँ पे लग रहा है सारा व्यू। और हम हमेशा बगल के ट्रैक से पास करते थे, कभी उतरने का यहाँ पे मौका नहीं मिला, और फर्स्ट टाइम आपके लिए ये कवर कर रहे हैं हम। और ये पूरी हम पैदल
चल के आ रहे हैं पाटम हॉल्ट से और जमालपुर तक पैदल चल के जाने वाले हैं ताकि जो भी चीज़ काम हो रहा है आपको दिखा सके। आप देख सकते हो यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह को उठाया जा रहा है, अभी इनको भी लगाया जाएगा और लगातार रफ्तार में तेज़ी दी जा रही है काम को। जो भी बचा खुचा काम है, पेंडिंग काम, सभी को ख़त्म किया जा रहा है और CRS इंस्पेक्शन होने के बाद ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम को कंप्लीट किया जाएगा। तो आप ऐसा समझो कि CRS होने के बाद लगभग 2 वीक का समय तो लगेगा जब इस रूट पे ट्रेन का परिचालन आरंभ हो पाएगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी नहीं होगी तब तक ये चालू नहीं होगा। ये है नया सुरंग, देख सकते हो हम बिल्कुल सामने आ चुके नया सुरंग के, और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर बगल आएंगे तो ये है पुराना सुरंग। पुराना सुरंग भी आपके सामने है और नया सुरंग भी इसके बगल में है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बिल्कुल नए सुरंग के एंट्रेंस के सामने, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इस साइड भी आप देख सकते हो व्यू। पूरे तरीके से सारा काम हो चुका है, हर रेस्पेक्ट में ये बिल्कुल तैयार है। ये पूरे जो सपोर्टिंग वाल है काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हो मिट्टी काफ़ी दूर है ताकि कभी किसी भी सिचुएशन में अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाए और मिट्टी गिर भी जाए तो कभी भी दरकते हुए ट्रैक पे नहीं आएगी। आप समझ सकते हो इतना सारा गैप रखा गया है, पूरे तरीके से सेफ्टी पैरामीटर्स का ध्यान दिया गया है और जितने भी ये ट्रैक्स यूज़ किए गए हैं सारे 60 kg के यूज़ किए गए हैं। और ये ट्रैक भी और जो नया ट्रैक, जो पीछे पुराना ट्रैक आप देख पा रहे हो, वो उसका तो ट्रायल हो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, उस पर 120 km/h से चलाया गया गाड़ियों को ताकि 110 तक का उसमें स्पीड का अलाउंस मिल सके। और सेम इस ट्रैक का भी स्पीड रहने वाला है, कुछ दिन तक स्टार्टिंग में कॉशन इस पर रहेगा और फिर इसके बाद इस ट्रैक पर भी 110 पे गाड़ी चलने वाली है। और पहले वाले जो टनल था उस पर आप देख सकते हो 30 km का कॉशन बोर्ड था, तो ये कॉशन अब यहाँ नहीं रहेगा इस टनल में, तो गाड़ी पूरे रफ्तार से जमालपुर की ओर चल पाएगी। जो एक्स्ट्रा 10 मिनट वेस्ट होता था वो यहाँ पे अब सेव हो जाएगा ट्रेन्स का। तो चलिए हम चलते हैं अब टनल के अंदर और फिर आपको अपडेट दिखाते हैं। दोस्तों हम नए सुरंग के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो पुराने सुरंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है नया सुरंग और ये पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। इसके वाल का सारा काम, ऊपर का भी देख सकते हो सारा काम हो चुका है, ऊपर यहाँ पे लाइटिंग रहने वाली है और दोनों साइड से काम हो चुका है। और ये जो भी बगल में आप देख रहे हो ये रास्ता होने वाला है, जैसे जितने छोटी गाड़ी है दो वाहन जैसे साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह पास हो जाएंगे। और ट्रैक्स भी यहाँ पर अंदर ले कर दिया गया है अच्छे तरीके से। काफ़ी बड़ा ये टनल है, जब ये बन रहा था तो हमें बार बार ये लग रहा था कितना बड़ा है कैसा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी आराम से हो सकता है क्योंकि हाइट इसकी बहुत अच्छी है और काफ़ी सुंदर है यहाँ का पूरा व्यू। ये टनल में लाइट की कोई कमी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। बड़े होने के कारण काफ़ी ज़्यादा लाइट दोनों साइड से इसके अंदर आ रही है, इसीलिए जैसे पुराना सुरंग हम आते थे तो बिल्कुल एक अंधेरा हो जाता था, एक अलग सा एक्सपीरियंस होता था। जब भी हम बचपन से आते थे तो लगता था ये कुछ तो अलग यहाँ पे है, पर इस सुरंग में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है और आर्टिफिशियल लाइट भी वैसे यहाँ पर लगाए जाएंगे। आप देख सकते हो काफ़ी समय लगा, पिछले 2 साल से 2019 से ही काम चल रहा था यहाँ पे। मुझे लगता है कि मेंटेनेंस के लिए कुछ सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस रखा गया है। बाकी टनल में आप देख सकते हो जैसा कंप्लीट अंधेरा होता था वैसा तो बिल्कुल कहीं यहाँ नहीं है, हल्का हल्का सा डीम यहाँ पे व्यू आ रहा है। आपको हम एंड टू एंड दिखा रहे हैं यहाँ पे विदाउट एनी गैप, 1 सेकेंड का भी हम यहाँ पर पॉज नहीं लेने वाले हैं इस वीडियो में, जितना भी समय वीडियो का लगे, पर हम आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक टनल का व्यू दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह भी काफ़ी मात्रा में डाल दिए गए हैं, जो अभी से लेकर अगर 4-5 दिन पहले बात करो यहाँ पे स्टोन्स वगैरह नहीं थे। ट्रैक्स वगैरह को भी ले रिसेंटली ही किया गया है यहाँ पे। हम बिल्कुल अब सेंटर में आ चुके हैं टनल के एकदम सेंटर पार्ट में, आप देख सकते हो।
अगर हम मैं यहाँ से पलटूँ तो आप देख सकते हो कि इस साइड टनल का एंड हो, इधर से ये रतनपुर एंड है और अब हम जमालपुर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हाफ टनल हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जमालपुर के साइड टनल में। अब बिल्कुल एंड हो चुका है अब टनल, 80% कवर कर चुके हैं हम टनल को और काफ़ी ज़्यादा लाइट अब वापस इधर से आने लग गई है जमालपुर के साइड से। यहाँ पे सारा काम ही कंप्लीट कर लिया गया है और काफ़ी सुंदर टनल आप हमारे साथ लगातार देख पा रहे हैं इस कवरेज को। काफ़ी कड़ी मेहनत की है यहाँ पे सभी वर्कर्स ने, रेलवे स्टाफ्स ने कोऑर्डिनेशन में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हुआ है इस बार और आप सब इसके गवाह बन रहे हैं इस वीडियो को लगातार देखते हुए। अभी यहाँ पे स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा और डाले जाएंगे, देख सकते हो। और इस बार जो पाथवे बनाया गया ये काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे देख रहे होगे ये पाथवे कितना अच्छा है। दोनों साइड सपोर्ट है कि जो भी लोग आएंगे वो उनको सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बीच में आराम से ट्रेन निकलेंगी पर वहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले क्या था कि ट्रैक्स थे, बीच से गुजरते थे पर साथ में सपोर्ट के लिए कुछ नहीं था और कभी एक्सीडेंट हो सकती थी, पर अभी तक हुआ नहीं ऐसा कुछ कभी भी, पर होने का चांस हमेशा रहता था डर। और अब हम कम्प्लीटली जमालपुर टनल के, जमालपुर के साइड टनल से बाहर आ चुके हैं। इस साइड नाले वगैरह का काम अभी प्रोग्रेस में है पर बाकी काम यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया गया है और लास्ट फेज का काम लगातार जारी है। दोस्तों देख सकते हो ये पूरा व्यू टनल का इस साइड से भी जमालपुर एंड से, हर चीज़ कंप्लीट कर लिया गया है। लगातार ट्रॉली मशीन से सभी चीज़ों को चेक किया जा रहा है, फाइनल टच दिया जा रहा है हर काम को और उम्मीद की जा रही है ये सारा काम जो आप देख रहे हो सारा काम अगले 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। साइड वाल्स वगैरह का थोड़ा काम यहाँ पे पेंडिंग है जिस पे भी लगातार काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले CRS इंस्पेक्शन इसको 10 दिन के अंदर करा लिया जाएगा और फिर जो बचा खुचा काम है वो साथ के साथ चलता रहेगा और आने वाले दिनों में उसको भी ख़त्म कर लिया जाएगा। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है जमालपुर का पुराना टनल और गाड़ी फ़िलहाल अभी इसी से पास होती है और यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे का कौशन है और बगल में नया सुरंग का भी जस्ट मैंने आपको ब्लॉग दिखाया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन के ये तार आप देख रहे हो इनको लगाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था और पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये टनल की हाइट काफ़ी ज़्यादा नीची है इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हो पाया। फिर इंजन भी ज़्यादा उसको छोटा किया, स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया और फिर जाके इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो पाया। तो चलिए उसको हम आपको दिखाएंगे, बाकी इसको बता दें कि इस टनल को बनाने का काम 1856 में स्टार्ट किया गया था और 1861 में ये टनल यहाँ पे बनकर तैयार हो गया था और तब से लगातार इस पर ट्रेन चल रही है। और ये आपको बताना चाहूँगा दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए जो सबसे पहले जो मेन लाइन होती थी और ये पहली ट्रेन जो दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी वो इसी टनल के थ्रू और इसी ट्रैक के थ्रू चली थी। बाद में आसनसोल से क्यूल को जोड़ा गया और वो अब मेन लाइन बन गया और उसके बाद फिर ग्रैंड कॉर्ड लाइन जो है आसनसोल से गया होते हुए मुगलसराय तक जो अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया है वो बनाया गया था और अब इसकी वैल्यू जो पहले लाइन थी वो ये लूप लाइन बन गया, बाद वाला लाइन मेन लाइन और वो ग्रैंड कॉर्ड। जितनी फास्ट गाड़ियाँ सभी ग्रैंड कॉर्ड से जाती है। तो चलिए इस टनल में हम चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये जमालपुर का व्यू है इधर जो आप देख रहे हो, सीधा ट्रैक जमालपुर की ओर जाता है और इस साइड रतनपुर की ओर जाता है। दोस्तों मैंने अभी आपको नया टनल दिखाया था बगल में जो बन रहा है तो उसमें आपने देखा चारों तरफ से फुल कोटेड सीमेंट का किया गया है, पर ये जो पुराना टनल है इसमें जो ये सेंटर पार्ट आप देख सकते हो ये पूरा खुरदुरा इसी तरह से वाल्स को छोड़ दिया गया है, यहाँ पे कोई सीमेंटिंग नहीं की गई है। जितना भी सीमेंटिंग का काम है बस इतने दूर तक ही किया गया है, बस जो आगे का सरफेस है थोड़ा सा मुँह के पास बस उसी को किया गया था। और आप ये देख सकते हो स्पेशल जो OHE पोल्स को डिज़ाइन किया गया था जो काफ़ी हाइटेड इनका लो है ऊपर से छोटा रखा गया है और इस डिज़ाइन होने के कारण ही यहाँ से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो पाया और सभी गाड़ियाँ अभी इलेक्ट्रिफिकेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद सारी गाड़ियाँ अभी चल रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको से। और ये ट्रैक जो आप देख रहे हो
ये सिर्फ ये टनल के कारण ट्रैक्स की तो स्ट्रेंथ 60 kg की है, तो यहाँ पे फुल 110 क्या 120 भी यहाँ पे गाड़ी चल सकती है, पर सिर्फ टनल पुराना होने के कारण और 150 साल से ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कॉशन से गाड़ी को चलाया जा रहा है। तो नया टनल जो बन रहा है तो ये परेशानी अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी उम्मीद है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो रास्ता चलने का है जो बगल में, किस तरह से पूरा मटेला ये मिट्टी जैसा है कादो, इसी में भी गाड़ियाँ वगैरह पास होती है, जो टू व्हीलर से साइकिल हो या बाईसाइकिल जो भी हो इधर से ही पास होती है, मोटरसाइकिल वगैरह। पर जो नया टनल है वहाँ पे इसको ढाल दिया गया है, तो वहाँ पे लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और लगातार हमारे साथ इरशाद जी बने हुए हैं और ब्लॉग में सपोर्ट इनका जारी है। दोस्तों हमने इस टनल का सारा कवरेज कर लिया है और पुराना टनल भी आपको दिखा दिया है, नया और पुराना टनल दोनों, और दोनों साइड से हमने दिखा दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कम काम यहाँ पे रिमेनिंग है और थोड़े बहुत जो भी काम है अगले 10 दिन में कंप्लीट होने वाले हैं। ये पूरा व्यू आप देख सकते हो यहाँ से लेकर नए टनल का, हम जमालपुर एंड पे हैं। और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाद में किया जाएगा, पहले CRS इंस्पेक्शन होगा जो डीजल लोगों से किया जाएगा, और 120 किलोमीटर प्रति घंटे से यहाँ पे गाड़ी चलेगी। तो इसी अभी हम ट्रैक से इधर जमालपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और फिर देखते हैं वहाँ पे लॉकिंग का काम कैसा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम काफ़ी आगे अब आ रहे हैं टनल के, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहले पहाड़ वगैरह होते थे, तो जब ये इस टनल का निर्माण स्टार्ट किया गया था तो यहीं से शुरुआत की गई थी। ये पहाड़ इस साइड भी थे और उस साइड भी थे, दोनों पहाड़ों को काटा गया था और ये सारे पहाड़ को काट के अब पूरे तरीके से ट्रैक को बिल्कुल सीधा करके टनल की ओर कर दिया गया है, आप देख रहे हो मेरे पीछे। और ये मंदिर भी आप देख सकते हो पीछे, यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है आपको, ये मंदिर भी इसी ट्रैक के आसपास बीच में आ रहा होता था, उसको अभी सारे को हटा दिया गया है और पीछे की तरफ कर दिया गया है, जिस कारण से अब आराम से ट्रैक्स वगैरह को रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बिल्कुल सीधा ये आप देख रहे हो जमालपुर की ओर इसको बिछा दिया गया है। दोस्तों जमालपुर टनल के आगे हम बढ़ते बढ़ते अब हम आ चुके हैं जमालपुर का TSS ट्रैक्शन सब स्टेशन, देख सकते हो यहीं से पहले क्या था, जब ये लाइन शुरुआत की गई थी तो क्यूल से ही भागलपुर तक पावर सप्लाई दिया जा रहा था, और अब ये जमालपुर में यहाँ पे बन चुका है TSS, और इसके बाद इसी तरह का TSS सबौर में भी है। इसी से पूरे तरीके से जितने पावर सप्लाई है इसको कंट्रोल किया जाता है पूरे इस लाइन का, तो काफ़ी बड़ा ये सब स्टेशन है आप देख सकते हो। पहले जमालपुर में ये सारा एरिया बिल्कुल खाली हुआ करता था, अब ये सारे नए तरह के जितने भी ये सारे चीज़ें इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद बनाई गई, TSS, फिर जमालपुर में गुड सेट बनाया गया, वाई लाइन बना, तो अब जितने भी अनऑक्यूपाइड स्पेस थे वो सारे भर गए हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ भी सारा स्लीपर्स वगैरह का काम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और बिल्कुल तैयार है ये CRS इंस्पेक्शन के लिए। और जो दोनों ट्रैक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फासला हो गया था आप देख सकते हो, जो कि जमालपुर एंड अब आते आते दोनों ट्रैक्स बगल बगल आ चुके हैं हमारे बगल पे। तो देख सकते हो अब साथ में दोनों ट्रैक्स बिल्कुल बगल बगल में आ चुके हैं और ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा आगे जाके कर्व हुआ है, और बिल्कुल जहाँ तक ये ट्रैक्स को बिछाया गया है उसके हम एंड पॉइंट तक पहुँच गए हैं। इसके बाद जो भी काम है ट्रैक्स को मिलाने का वो CRS इंस्पेक्शन के बाद किया जाएगा। तो फिलहाल अभी तक आप देख रहे हो यहीं तक सारे स्टोन डस्ट वगैरह बिछाए गए थे, यही रतनपुर से उल्टा ले गए और यहीं तक मालगाड़ी को लाया गया था, फाइनल ये पॉइंट तक लाया गया था मालगाड़ी को, और यहीं से सारे स्टोन्स बिछा के और वापस मालगाड़ी निकल गई थी रतनपुर के साइड। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहीं पे सारे स्लीपर्स का वर्क ख़त्म कर दिया गया है और यहीं पे इंटरलॉकिंग का काम होगा। जब यहाँ पे CRS इंस्पेक्शन का अनुमोदन हो जाएगा तो ब्लॉक लिया जाएगा और इसके बाद ये ट्रैक्स को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो दोस्तों, ये पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, और ये ट्रैक जो यहाँ पे आप देख रहे हो इस दोनों को यहाँ पे कुछ दिन के बाद ये ट्रैक को इस ट्रैक से मिला दिया जाएगा, और इसके बाद सभी गाड़ियों का परिचालन इधर जमालपुर के साइड इस ट्रैक पर किया जाएगा। तो बस कुछ ही दिन शेष हैं, थोड़ा सा इंतज़ार और, इतना दिन आपने इतने सालों तक इंतज़ार किया और ये परेशानी आप सभी ने कभी ना कभी तो ये ज़रूर झेली होगी, स्पेशली जब डाउन गाड़ी आती थी जो भागलपुर एंड हो रही होती थी गाड़ी, तो उनको स्पेशली रोक दिया जाता था कई घंटों तक। और कुछ दिन पहले मैंने देखा फरक्का एक्सप्रेस को लगभग 2 घंटे तक वो पाटम हॉल्ट में खड़ी थी, तो कितने लोगों को परेशानी हुई होगी। तो इस तरह की जितनी परेशानी है सबका ये सॉल्यूशन फाइनली अब होने जा रहा है, और देख सकते हो इस साइड से तो सारा ट्रैक्स वगैरह का काम हो चुका है, बस उस पॉइंट पे मिला दिया जाएगा, उसके बाद ट्रेनों का परिचालन लगातार चलेगा।
तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब हमने आपको ब्लॉग में सारा कुछ जानकारी कंप्लीट दे दी है। अब यहाँ से हम चलकर जमालपुर पैदल जाने वाले हैं और फिर वापस यहाँ से हमारी जर्नी वापस हो जाएगी। दोस्तों ये देख सकते हो, जो सीधा ट्रैक आ रहा है ये भागलपुर की साइड से आ रहा है और यहाँ से दो ट्रैक अलग अलग हो जाएंगे और एक ट्रैक आप देख सकते हो उधर गुड्स यार्ड की ओर चला जा रहा है जो जमालपुर के, और एक ट्रैक सीधा जमालपुर की ओर जा रहा है। और बगल से एक ये वाई लाइन आप देख रहे हो जो वाई लेग है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जमालपुर में, और ये वाई लेग सीधा मुंगेर की ओर जा रहा है जिसके लिए ट्रैक आगे से ही सेपरेट हो चुका है। और ये वाई लेग बनने से जो मुंगेर की तरफ जाने के लिए भागलपुर से जो गाड़ियाँ हैं इनके लिए काफ़ी आसान हो गया है। और अभी फ़िलहाल इधर से अगरतला देवघर जैसी गाड़ियाँ और सुबह यहाँ से भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस पास करती है, और सहरसा के लिए और खगड़िया के लिए फ़िलहाल तो कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं है, जमालपुर आके फिर चेंज करके जाना होता है। उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से पहले सहरसा से भागलपुर और साहिबगंज तक पैसेंजर ट्रेन चलती थी उसी प्रकार से दोबारा इसको चला दिया जाए। अब तो टोटल रूट इलेक्ट्रिक हो चुका है, तो मेमू ट्रेन अगर चला दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा इस यहाँ के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आगे जो हो अच्छा हो। और यहाँ से दो ट्रैक अलग हो रहे हैं, दो साइड जो गुड्स यार्ड के दोनों साइड की ओर जा रहे हैं ट्रैक्स। अब हम जमालपुर की ओर, यहाँ से स्टेशन काफ़ी पास आ चुका है, अब हम जमालपुर स्टेशन जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं हम जमालपुर टनल का। इस ब्लॉग में आपको नया टनल, पुराना टनल, सारे तरह की जो टनल की जानकारी है वो आपको मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।